हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और आज है मंडे, दिन की शुरुआत हो चुकी है। नहा धो लिया है, हार्दिक भी रेडी है। अभी हार्दिक जा रहा है मंदिर और फिर जाएगा हार्दिक स्कूल। आज है सोमवार तो मैं आज से लेके जा रही हूँ मंदिर और फिर जाएगा स्कूल। अभी ये रेडी नहीं है, बस इसमें पैंट पहनी हुई है, शर्ट इसकी रखी हुई है और किचन में नाश्ता वास्ता बन रहा है। जेठानी जी बनाई हुई है नाश्ता और लंच, यहाँ पे बन रहा है लंच और नाश्ता। और मैं जा रही हूँ मंदिर, हार्दिक के पापा अभी नहा रहे हैं। अभी मुझे नीचे जो जलानी है मंदिर में, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी मॉर्निंग। यहाँ पे हार्दिक हो रहा रेडी, आ गया मंदिर से। हार्दिक को पहना रही इसकी यूनिफॉर्म। हार्दिक भी, हार्दिक के पापा भी हो गए रेडी। अब चलो चलो, अब लेट हो रहा है। अब मैं जाती हूँ हार्दिक को पहुँचाने। हार्दिक का बैग भी हो गया रेडी, रोटी भी नहीं खाई है उसने, बस दूध पी के चला गया है। आ गई फ्रेंड मैं हार्दिक को स्कूल पहुंचा के। आज लेट हो गया था तो इसलिए हार्दिक के पापा ही हमें स्कूटी में लेके गए। और अब मैंने बनाई चाय, मैं पीनी हूँ चाय। और उसके बाद फिर डेली के काम में कंटिन्यू करूँगी, रोटी वोटी बनाऊँगी। अभी तक झाड़ू नहीं लगी है, झाड़ू लगाऊँगी। अभी मैं हार्दिक को लेके स्कूल से और हो गया सारा काम। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी सासू माँ ने गांव से क्या क्या भेजा हमारे लिए। गांव से सामान आया है, देखते हैं कि क्या क्या भेजा है। कट्टे में आया है, पॉलिथीन में भी आया है, कट्टे आए हैं और देखते हैं क्या क्या है। हार्दिक आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इसमें है दही, इसमें है दही, इसमें भेजी है सासू माँ ने दही। और इसमें भेजा है गाइछा, जो मेरे पहाड़ी दोस्त होंगे इसमें उन्हें तो पता होगा भाई बहनों को कि गाइछा है। और जिन्हें नहीं पता, ये बनता है दही से, जो हम दही से मट्ठा बनाते हैं, मट्ठे से बनता है गाइछा। एक आया है गाइछा और ये देखिए, ये है पहाड़ी ककड़ी, हम बनाएंगे इसका रायता। ये है पहाड़ी ककड़ी, खीरा, खीरा भी बोलते हैं यहाँ तो हम पहाड़ी लोग, पहाड़ी ककड़ी। वाह, पकड़ो ये देखो, छोटे छोटे ही दो आए हैं, दो कद्दू। ये हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो कद्दू। ये छोटे हैं प्यारे प्यारे दो कद्दू। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये आए हैं देखो गांव से हमारे मौसमी। हमारे मौसमी ये गांव से आया है, हमारे मौसमी। और ये हमारे गांव की जो सर्दियों की फेमस सब्जी है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये है गडेरी बोलते हैं इसे, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसकी सब्जी कढ़ाई में भी बन जाती है और कुकर में भी। ये भेजे हैं ससुर जी ने। ससुर जी और ये मैं क्या छुआ, ये है राई, ये है हमारी पहाड़ी राई, ये है हमारी पहाड़ी राई, आई मेरा, आई मेरा काई। और ये है, और ये है तिल, तिल ये है, तिल ये है, तिल ये है, हनी इसमें है, मेरा लेके गलत, इसमें है नहीं, इसमें है मांस की दाल, इसमें इसमें दाल, मांस की उड़द भी बोलते हैं इसे। इसमें है मांस की दाल, अगर आप मेरी भी गलत नहीं थी।
सब्जी भी आलू के साथ की सब्जी बनती है। इसके साथ तो बहुत टेस्टी। मैं जो बोल रही हूँ हार्दिक मेरे साथ वही उच्चारण कर रहा है। प्लीज अवॉइड करिए। और ये है हमारी गोहद की दाल, ये है गोहद। और ये है सोयाबीन की दाल, सोयाबीन की दाल भी अच्छी होती है। और इसमें वही है मौसमी वगैरह है। और किसने भेजा है सासू माँ ने हमारे लिए घी। ये देखिए ये है हमारा घी, ये और ये। सासू माँ ने हमें दो डिब्बे हमारे लिए घी के भेजे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे गांव से सामान आए हैं, और जब जब जो जो सामान हम खाएंगे वो मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और पहाड़ों में इतनी आजकल दालें होती है, सोच का महीना चल रहा था बीच में, तो उसी वजह से भेजी हुई है सासू माँ ने इतना सामान। और ये भेजे हैं दीपावली के खिल बच्चों के लिए, और चिप्स वगैरह भी भेजे हुए हैं। हार्दिक ने तो खा लिए, कार्तिक के रखे हुए हैं। और अब ये सामान गांव का है जो उसे सेट करते हैं, और उसके बाद बनाऊंगी खाना। अच्छी अच्छी काफी चीजें भेजी है सासू माँ ने, तो बनाती हूँ उसके बाद खाना। हार्दिक भी आ चुका है, अभी हो गई है रात और चाय हमने पी ली है, और सब्जी भी बना ली है, आटा भी गूंथ दिया है। अब बस रोटी बनानी है। अभी हम देख रहे हैं बच्चों के साथ बैठ के टीवी, देखिए कैसे बिल्कुल टीवी के चक्कर में ऐसे बैठे हुए हैं और कार्टून देख रहे हैं। इसमें ओगी एंड द कॉकरोचेस, इनके सीरियल भी अजीब गरीब है। और बनाऊंगे रोटी। अभी हार्दिक के पापा और भैया लोग भी आए हुए हैं, और आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज हमारे गांव से जो सामान आया था, जो सासू माँ ने सामान भेजा था, मैंने वो आप लोगों को दिखाया। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपको कैसा लगा हमारे घर का जो सामान आया है वो। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, अगले नए दिन में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मेरी दादी के बाय कर दो।